दिस इज क्वेश्चन नंबर 68 ऑफ केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2017। क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा एनसीईआरटी में क्लास 11th में। क्वेश्चन है, थ्री मासेस ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पार्टिकल इज गिवन बाय। तो ये तीन मास है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करने पड़ेंगे कितना है, लोकेशन दी हुई है। तो हमें यह बताना है कि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा सेंटर ऑफ मास का। तो देखो, अगर आप सेंटर ऑफ मास का कोई भी कोऑर्डिनेट निकालो आरसीएम, तो वो होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस m3। तीन मास के लिए, चार हो तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, दो तो सिर्फ दो का टर्म लेंगे। फिलहाल यहाँ पर तीन मास है ना, तो अगर xcm यानी कि x कोऑर्डिनेट आप देखोगे सेंटर ऑफ मास का, तो वो इक्वल होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, और ऐसी सेम फॉर्मूला आप वाई कोऑर्डिनेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। फिलहाल यहाँ पर जो तीनों मास है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, तीनों सेम है, तो उसको गिवन है m है वो। तो काम करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, और इसको मान लेते हैं थर्ड मास। ठीक है, तो हमें x1 x2 और x3 और y1 y2 y3 चाहिए। तो अगर आप इस वाले फर्स्ट वाले मास को देखो तो ये ओरिजिन पर रखा हुआ है, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, 0। अब आप यहाँ जाइए सेकेंड मास के लिए, ये यहाँ से ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, ए। लेकिन अगर वाई कोऑर्डिनेट आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो m2 के लिए a,0 चलेगा x और y, m3 के लिए। तो m3 के लिए देखो, ये m यहाँ पर रखा हुआ है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, यानी कि a/2। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, a/2, पूरा a है ना, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, a/2। तो x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा a/2, और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, देखो ये एक तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट आती है वो हमेशा होती है √3/2 ऑफ ए। अब मैं बता भी देता हूँ ये कैसा ही। मान लीजिए कि आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसमें तीनों साइड इक्वल होती है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ जाएगा a/2, और ये कितना हो जाएगा a, मतलब कंप्लीट a होता है ना, तो मैंने मिड पॉइंट पर ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, स्मॉल ट्राइंगल में, तो आपको ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हाइपो कितना है यहाँ पर, ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये हमें निकालनी है, प्लस बेस कितना हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर। सो हमें पी स्क्वायर निकालना है, मतलब पी निकालना, तो उसको आप लिख सकते हैं a² - a² / 4, मतलब ये आप इस तरफ ले जाइए तो अपॉन में 4 हो जाएगा। सो इट विल इक्वल टू 4a² - a² यानी कि 3a² / 4। तो ये तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √3a/2। तो वही मैंने आपको बताया, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि जो हाइट है वाई कोऑर्डिनेट वो कितना हो जाएगा, √3a/2। तो हमें हमने तीनों ही मासेस के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है एक्स और वाई सीएम निकालने के लिए। तो देखिए, एक्स सीएम M1 का x1, m1 तो m है लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्लस m2 के लिए, m2 के लिए x की वैल्यू कितनी है, a, तो m में a। प्लस ध्यान रखना, हम पहले सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, फिर m3 के लिए मतलब इस मास के लिए m की वैल्यू m ही है मास की वैल्यू, और x कितना है, a/2, तो a/2 डिवाइडेड बाय। देखो, जब आप m1 + m2 + m3 तीनों मास बराबर है ना, तो m + m + m कितना आ जाएगा, 3m। सो वी कैन राइट एक्स सी एम इक्वल टू आएगा, ये हो जाएगा m में या a में लिख सकते हैं, प्लस am/2 डिवाइडेड बाय 3m, यानी कि इसको आप लिख लेंगे 2 + 1 यानी कि 3a/2m डिवाइडेड बाय 3m। तो देखो ये जाएगा यहाँ पर, तो एक्स सी एम इक्वल टू हो जाएगा 3am डिवाइड बाय 2 × 3m, तो 3m से 3m कैंसिल, तो ये आ गया a/2, यानी कि जो पोजीशन आएगी एक्स कोऑर्डिनेट की सेंटर ऑफ मास के लिए वो a/2 आएगी, यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं होगा,
और ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, बचा ऑप्शन बी और डी। इसके लिए हमें वाई ऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। तो देखो वाई सी एम निकालेंगे हम, फर्स्ट मास के लिए वाई की वैल्यू तो जीरो ही होगी, ये जीरो है प्लस, सेकेंड मास के लिए एम, और इसके वाई ऑर्डिनेट कितना है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एम थ्री। एम थ्री यानी कि एम इंटू इसका वाई ऑर्डिनेट कितना है, रूट थ्री बाई टू ए, रूट थ्री बाई टू ऑफ ए, और डिवाइड में तीनों को ऐड करेंगे। ध्यान रखना जीरो जो यहाँ पर हमने लिया है वो वाई वन और वाई टू है, ठीक है, मास जीरो नहीं हुआ है। अब एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, फिर से आप तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, थ्री एम। सो वाई सी एम विल बी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू एम ए डिवाइडेड बाय थ्री एम, तो ये यहाँ पर आएगा। सो वाई सी एम विल बी इक्वल टू रूट थ्री एम ए डिवाइडेड बाय टू इंटू में थ्री एम ए, सॉरी एम, एम से एम कैंसिल, तो ये आ जाएगा रूट थ्री ए अपॉन में टू थ्री, टू इंटू थ्री, जिसको आप ये भी लिख सकते हो ए बाय टू रूट थ्री, यानी कि वाई ऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, ए बाय टू रूट थ्री। तो ये तो नहीं है, इसको हटा दो, तो बचा ऑप्शन डी सही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्स ऑर्डिनेट कितना है ए बाय टू, और वाई ऑर्डिनेट कितना है ए बाय टू रूट थ्री। तो कुल मिलाकर के सिर्फ आपको पहले एक्स और वाई ऑर्डिनेट तीनों मासेस के फाइंड करने थे, फिर उस फॉर्मूले में मतलब जो सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी है और आपके एक्स और वाई सेम आ जाएगा।